हेलो गाइस, वेलकम टू विबा क्लासेस। आज फिर से हम आपके पास आए हैं और एक बहुत ही प्यारी और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। और आज हमारी शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है मैट्रिसेस चैप्टर पर। देखिए, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने पूरी शॉर्ट ट्रिक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको अवेलेबल कराई है। प्लीज आप जाके प्ले लिस्ट में चेक करिए, आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी और आपको मजा भी आएगा उन शॉर्ट ट्रिक्स को समझने में। तो चलिए देखिए, सबसे पहली ट्रिक, दो ट्रिक हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की यहाँ पर। तो सबसे पहली ट्रिक देखिए, हमने आपके सामने कुछ मैट्रिसेस लिखी हैं। इन मैट्रिसेस में क्या फीचर है उसको ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें अपर डायगोनल जो है वो जीरो जीरो है। अपर ट्राइंगल आप बोल सकते हैं, या अपर ट्राइंगल ही आप बोलिए तो ज्यादा बेटर है। अपर पोर्शन जो है, ये देखिए, ये अपर ट्राइंगल आपके पास है, दिस इज लोअर ट्राइंगल। या फिर अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट, इन तीनों मैट्रिक्स पर एक ट्रिक काम करती है। कौन सी ट्रिक काम करती है? अगर आपसे इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को कहा जाए, तो आपने क्या करना है, जो एलिमेंट डायगोनल्स में है, ध्यान से सुनिएगा, जो एलिमेंट डायगोनल्स में है उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड में आपके पास आ गया उसका डिटरमिनेंट। राइट, एग्जाम्पल समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले दोबारा से ट्रिक को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका अपर ट्राइंगल जीरो है, या लोअर ट्राइंगल जीरो है, या फिर जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों? जिसके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके की आपको मैट्रिक्स नजर आया और आपके पास एमसीक्यू हो और आपसे कहा जाए कि उसका डिटरमिनेंट निकालिए, आपने सिर्फ और सिर्फ किन को इंपॉर्टेंस देनी है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो चलिए देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए, देखिए डियर, अब देखिए ये वाला जो है आपके पास फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से बिलोंग कर रहा है, आप देखेंगे तो अपर ट्राइंगल इसका जीरो है। निकालने का तरीका हमें पता है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंड देन हम इसको एक्सपैंड करके करेंगे। वो तरीका तो हम जानते हैं, वो हमने मैट्रिसेस चैप्टर में आपको दिया भी है, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हमें इसका शॉर्टकट तरीका फटाफट से करना है। तो उसके लिए हमने क्या सिखाया आपको कि आपने डायरेक्ट ये जो भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी मैट्रिक्स, और अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चों सिर्फ आप इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट दी आंसर ऑफ डिटरमिनेंट। राइट, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -30। है ना आसान क्वेश्चन? तो देखिए, अगर आपके पास इन तीनों में से किसी भी तरीके की मैट्रिक्स नजर आ जाए, सिमिलरली अगर ऐसा होता कि अगर आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होती, यानी यहाँ जो एलिमेंट्स हैं जो अभी फिलहाल मैंने लिए, ये जीरो जीरो होते बच्चों, तब भी हमने सेम ही करना है, तब भी हमने सेम करना है। और अगर लोअर ट्राइंगल जीरो होता तब भी आपने सेम करना है। यानी आपके पास अगर इन तीनों में से किसी भी टाइप की मैट्रिक्स गिवन है, तो फटाफट से डिटरमिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। है ना मस्ट ट्रिक? तो चलिए, आई होप आप ये भी जानना चाहते होंगे कि सेकंड ट्रिक क्या है। तो सेकंड ट्रिक देखते हैं फटाफट से। सेकंड ट्रिक में क्या है बच्चों, कि अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करने को कहते, यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये बोल दे कि ये आपने फाइंड आउट करना है, राइट, तो आपके पास ध्यान से सुनिएगा क्या आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, चलिए डियर देखिए, अब ये जो ट्रिक टू है ये काफी हद तक ट्रिक वन से कॉम्बिनेशन में काम आएगी आपके, ठीक है ना, इसीलिए हमने इस ट्रिक को साथ में लिया है। तो आप देखिए, अगर आपसे कहा जाता है ये एक मैट्रिक्स है और आप इसके ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1/ डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। हमारी दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम एडजॉइंट निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, राइट। तो चलिए, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालिए, तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है क्या है, पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे इस मेथड से और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, राइट। अगर मैं आपको फटाफट से इसका आंसर बताऊं क्या है मेरी शॉर्ट ट्रिक, तो मेरा आंसर है -1/12। तो मैम आपने कैसे कर लिया सेकंड्स में, आप लोग भी कर लेंगे, और क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, यानी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालने को बोला है, दैट इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट,
राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया, और क्योंकि ये आपके पास लोअर डायगोनल जीरो, लोअर ट्राइंगल जीरो वाली मैट्रिक्स थी, तो हमें पता है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। अभी बताया आपको ट्रिक वन में, इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ए। और अभी मैंने आपको बताया कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1/(this), इसीलिए हमारे पास आंसर आ गया -1/12। है ना यूजफुल ट्रिक? तो अगर आपको ये ट्रिक्स यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको और इस तरीके के ट्रिक्स चाहिए तो आप टॉपिक्स हमें बता सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमें लगातार आकर कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा वीडियोस जो बनाने का वो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग द बक्स।